गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी बाल थोड़े ख़राब हो रहे हैं। एक्चुअली रात मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। हम कल रात जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ मैं अपना बैग एक भुलाया, मेरा एक हैंड बैग एक्चुअली, जिसमें मेरे कुछ खास चीज़ें रहती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चार्जर ये सब था। तो मैंने अभी मंगवाया है किसी को बोल के, और होपफुली एक दो घंटे मेरे पास आ जाएगा। तो दो दिन अपने उधर हो गए थे चकराता में, टाइगर फॉल ये सब देखते हुए। तो अभी मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सी लोकेशन पे आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। पुराने जो ट्रैक है उनमें से एक मोहला ट्रैक है। कभी ब्रिटिशर इस ट्रैक से हिमाचल जाया करते थे। रोहडू ये जगह निकलती है, उसका मैं रास्ता दिखाता हूँ। ये पूरा जो रास्ता है यहाँ से ये मोहला टॉप की ओर जाता है। ये आगे जाके वो एरिया पूरा जो सड़क है वो आगे मोहला टॉप जाती है। यहाँ से हम गाड़ी से जा सकते हैं, 4-5 किलोमीटर होगा शायद। वो गाड़ी खड़ी करके फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो ये सराउंडिंग है यहाँ की, अपनी गाड़ी खड़ी है। ये टूरिस्ट लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो लिखा है बोर्ड चायशील त्यूनी और बुधेर गुफा। तो बुधेर गुफा के लिए भी आपको इसी रोड से जाना पड़ेगा। ये भी बुधेर गुफा ही जाता है रास्ता। बुधेर गुफा एक्चुअली मोहला टॉप के ऊपर ही एक, और यहाँ कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। ऊपर आपको दिख रहा होगा टार्च जो लगे, ये वोडाफोन एयरटेल ये सब के लगे हुए हैं। तो नेटवर्क का इधर कोई इशू नहीं आने वाला आपको। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत रोड है, बहुत खूबसूरत लोग हैं। टाइम स्पेंड करने के लिए 3-4 दिन अगर शांति सुकून से बिताने हो तो यहाँ आया जा सकता है। एक्चुअली लोखंडी का जो मैंने अभी होटल आपको फ्रंट फसाद दिखाया, उसके बैक साइड में मैंने छोटा सा रूम लिया है। इसमें 2 रूम है, 2 फैमिली आराम से रह सकती है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। और यहाँ का जो व्यू है ना वो आप देखिए, दोस्तों सुबह मैंने आपको दिखाया था 11-12 बजे कैसे नज़ारे थे। मैं अभी जस्ट सो के उठाऊँ, और जो वैली के आपने अभी कुछ देर पहले शॉर्ट्स देखे, अभी जो मैंने वीडियो में आपको दिखाए, और एकदम से नज़ारा ही बदल गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, एकदम क्लाउडी क्लाउडी पूरा हो गया है। ये आप देख सकते हो, मैंने अभी ये सारे नज़ारे आपको दिखाए थे वो रोड है। और इतनी ठंड हो रही है यहाँ पर, सब लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। और ये देखो पूरी वैली एकदम ढक गई है पूरा एकदम। ये देखो बादल कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नीचे से आग जलाई हो और उसका धुआं ऊपर जा रहा हो। आप देख रहे हो आधी जगह पे बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा सा दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि हम नज़दीक हैं। वो बादल देखो कितनी तेज़ी से जा रहे हैं, और वो देखो दूर झोपड़ी, वो सब हमें इतनी क्लियर दिख रही थी, अभी तो मतलब दिखना मुश्किल है। और वो पीछे की सब पहाड़ियाँ हमें दिख रही थी, जो भी रेंज थी वहाँ की, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है और एकदम पूरा काला हो गया है। इतनी तेज आप देखो कितनी, मतलब चारों ओर धुंध छा गई है, एकदम फोग आ गया है। बादल इतनी तेज़ी से इस वैली को चारों ओर से ढक चुके हैं, और वो दूर जनरेटर की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली यहाँ पे ये टावर लगे हुए हैं सेल्युलर कंपनीज के, तो जब लाइट जाती है जनरेटर से उसको चलाते हैं।
और ये देखो एक डॉगी वहाँ बैठा है, बच्चा है, खेल रहा है। इतना सुपर मौसम हो गया है, मैं बता नहीं सकता। इतनी खूबसूरत वैली में आपको ज़रूर आना चाहिए। ये जून का महीना है जब लोग चिलचिलाती गर्मी में प्लेन एरिया में दिल्ली में और आसपास के रीजन में, यहाँ तक कि रुड़की की भी अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त लोग एसी चला के बैठे हैं। मेरी घर पे बात हुई है तो इतनी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में मुझे ठंड लग रही है। अभी मैं जैकेट पहनने वाला हूँ और मतलब मुझे लगता है कि शायद मुझे कुछ वार्म चीज़ें और लेके आनी चाहिए थी। मैं ग्लव्स वगैरह लेके आता तो शायद बेटर रहता। अभी इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे कि ये देखो अंकल मेरे सामने खड़े हैं, दोनों अंकल ने जैकेट पहनी हुई है, शूज़ पहने हुए हैं, सर ढका हुआ है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो इतना शानदार टेम्परेचर, इतना लो टेम्परेचर उत्तराखंड में, नियरेस्ट अगर कहीं जाना हो चक्रादा इज़ दी बेस्ट प्लेस। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ लोखंडी, तो लोखंडी चक्रादा से 45 मिनट्स और थोड़ा त्यूनी की साइड में आगे की ओर पड़ता है। तो वंस इन अ लाइफ विजिट प्लेस है, ज़रूर आइए और इस व्लॉग का आनंद लीजिए और शानदार नज़ारे देखिए।